नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 56,500 की राशि जमा करता है। 3 वर्ष के अंत में उस व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, उसने हमसे अमाउंट पूछा है कि 3 वर्ष के अंत में जो अमाउंट होगा वह कितना होगा, जबकि उसने मूलधन कितना है 56,500, रेट कितना है 12% और टाइम कितना है, टाइम है 3 वर्ष। ठीक है, जब हमें अमाउंट निकालना होता है तो उससे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P×R×T/100। पी कितना है 56,500, रेट कितना है 12, समय है 3 वर्ष/100। 0 से 0, 0 से 0, दोनों जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, 565×12×T। 12 का करेंगे 12×5=60, 12×6=72, 72×6=78, 12×5=60, 67 3 हो जाएगा। गुड़ेंगे 3 का 0 में होगा 0, 3×8=24, 7×3=21, 2×2=23, 6×3=18, 2×2=20। 20,340 के आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम लगा देंगे अमाउंट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम मूलधन को जोड़ दें तो अमाउंट निकल के आता है 20,340। यह तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और 56,500 यह हमारा मूलधन है। दोनों को हम जोड़ देंगे 56,500 और 20,340, तो 0, 4, 8, 6, तो 76,840 रुपये उसको राशि प्राप्त होगी 3 वर्ष के बाद, जो कि उसका मिश्रधन होगा या उसी को हम अमाउंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।